होगा, ठीक है, सभी लोग अपना अपना पोजीशन ले लें और सभी अपने साथ एनर्जी ड्रिंक जरूर रखेंगे, क्योंकि यही एनर्जी ड्रिंक है बीच बीच में आराम देने वाले हैं, ठीक है, ओके, और एनर्जी टिक रखने वाले हैं, ठीक है, तैयार हैं? वाह क्या बात है, ठीक, ओके, हम लोग हम सभी को देख पा रहे हैं, बहुत सभी एनर्जेटिक हैं, चलिए पोजीशन लीजिए, ओके। स्पोर्ट कर दीजिएगा मैडम, चलिए दो करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर इसको घुमाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, चल कीजिए तो हाथ पे आइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिवर्स कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, चल कीजिए हाथ को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिवर्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अभी देखिए ऐसे हाथ को रखिए, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हाथ को ऐसे ही रखिए, ऐसे पोजिशन करके पंडुलम जैसा कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, चेंज कीजिए हाथ को तो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, वाह क्या बात है, अच्छा ऐसे कीजिए, हाथ का पोजिशन तैयार कीजिए ऐसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, देखिए मुट्ठी को बंद कीजिए जैसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिवर्स कीजिए तो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, वाह क्या बात है, कमर कमर पर चलते हैं, घुमाना है जितना मन को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिवर्स कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, चलिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिवर्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, चलिए मुझे पैर को ऐसे घुमाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिवर्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5,
सिक्स सेवन एट नाइन टेन, इट वाज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ज्वाइंट ओपन हो गया है। ठीक है, तो टेस्ट ले लीजिए। वाह क्या वाह, ठीक है वर्कआउट हो, ठीक है पहले हाथ कर लीजिए। ठीक है, हाँ वन टू पहले हाथ कीजिए, ऐसे क्वेश्चन तैयार कीजिए। वन सताना है, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, फिर एक बार करना, जो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, फिर देखिए वन टू फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, फिर चलिए वन टू वन फाइव सिक्स सेवन एट टेन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट टेन, फिर कैसे? अच्छा वन टू 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 वन टू, चलिए बॉडी गर्म हो गया है। अच्छे पोजिशन तैयार कीजिए, ऐसे वन टू, ठीक है मेरे साथ कीजिएगा, डबल करेंगे दो बार, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, वाह फिर से बात करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, फिर चेन ऐसा क्वेश्चन ऐसे कीजिए, वन टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, फिर ऐसे हाथ कीजिए को, वन टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, फिर एक बार करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, वाह देख पा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, अभी जो है यही पोजिशन को पैर के साथ होगी। ठीक है, वन टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, फिर एक बार करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, वन फिर एक बार इसे पैर के साथ, वन टू थ्री वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, वाह फिर देखिए ऐसे हैं, वन टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट
10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. क्या हुआ? बहुत अच्छा कर रहे हैं, ए प्लस ले लीजिए। ठीक है, अभी देखिए ऐसे रखना है, आपको ऐसे रखना। ठीक है, वन टू, वन सटाना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, दूसरे हाथ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, फिर देखिए दोनों हाथ को ऐसे कर देंगे। ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, वन, फिर ऐसे हाथ को रखिए। ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, दूसरे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, वाह मजा आ रहा है। हाँ चलिए ऐसे रखिए, ऐसे पहले पोजीशन क्या कीजिए। ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन नाइन टेन, ठीक है, फिर कीजिए वन पसंद वन स्टार टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, रिवर्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, वाह क्या बात है, बहुत अच्छा, मजा आ रहा है, बहुत अच्छा। ठीक है, फिर देखिए ऐसे कीजिए, हाथ को ऐसे किए, सटाना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, वाह वेरी गुड, बहुत अच्छा। अभी रस्सी को 20 20 बार 2 बार करना। ठीक है, वन टू थ्री फोर नाइन टेन, वन टू थ्री फोर सेवन नाइन टेन, वो आगे तो पीछे, आगे तो पीछे, फिर एक बार वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स
नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी एट्टी नाइनटी ट्वेंटी। रिलैक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। वाह क्या बात। फिर ऐसे वन टू वन टू वन टू थ्री सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन सिक्स सेवन एट नाइन ट्वेंटी। वाह फिर इतना प्राइस हो सकता ना। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एट्टीन नाइनटीन ट्वेंटी। वाह क्या बात है। बहुत वेरी गुड बहुत अच्छा। ठीक है देखिए ऐसे हाथ कीजिए। हाथ का पोजिशन ऐसे पैर को ऐसे हाथ का पोजिशन ये ठीक है। पैर को खत्म है वन टू ठीक है 10 बार होगा ठीक है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। वाह बहुत अच्छा। एक बार और ठीक है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। वाह वेरी गुड। अभी करते हैं वन पल वन टू थ्री फाइव वन ठीक है। इसको पहले पूरा करते हैं 10 बार। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। ऊपर साल टेन। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। वन टू थ्री फोर टेन। वन टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। फिर रखिए वन टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। वन टू थ्री सीधा सीधा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन नाइन टेन। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। वाह क्या बात है। ठीक है मैट ले लीजिए अपना अपना योगा मैट। देखिए पोजीशन ऐसे रखिए भाई। पोजीशन ऐसे रख के अभी ऐसे पोजीशन रख लिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। फिर एक बार पैर को हटाइए
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वाह क्या बात, फिर अच्छे क्वेश्चन ऐसे ही रख लीजिए, ठीक है। बॉल को इधर से लाना है, इधर डालना है, इधर से उठाना है, इधर डालना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वाह देख पा रहे हैं, बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। 1 फिर से करें, 1 2 3 फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। अभी देखिए ऐसे दोनों हाथ को पकड़ लिए, ठीक है, रोलिंग करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मजा आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर क्या भी ऐसे करके हम मेरे लिए है, लेकिन बता रहे हैं ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 वाह एक बार और करेंगे इसको, ठीक है, ये वाला एक्सरसाइज को एक बार और करेंगे, फिर के लिए बहुत बेहतरीन। 1 4 6 7 8 वाह ठीक को छूना, कैसे छूना है पॉम को, क्वेश्चन वही रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वाह वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ अभी देखिए पैर को उठाना है ऊपर और नीचे नहीं जाना, 2 इंच ऊपर ही रहेगा लगातार करना। देखिए क्वेश्चन, 1 पैर को धरती में नहीं सटाना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वाह क्या बात, ठीक है। अभी देखिए ऐसा ठीक है, पकड़े पैर को ना रहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वाह क्या बात, बहुत अच्छा, ठीक है। अभी थोड़ा सा इसमें आ जाइएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 एकदम सीधा मारे, 1 हाथ सीधा रखना चाहिए इसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
9, 10। चलिए ऐसे बैठ जाइए तो सभी बैठ गए तो आपको ऊपर लेना है, ऐसे नीचे मुड़ना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 67, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 67, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 67, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 67, 78,
ठीक है, फिर ऐसे हाथ को कीजिए, वन टू वन टू वन, नाम को बताना है तो वन तो चलिए समय क्या है, अब स्टेचिंग के ऊपर चलते हैं। ठीक है, एक बार एड्रेस भी लीजिए। ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, टेन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ऐसे फाइल को ओपन करना है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, टेन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, टेन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, वाह। फिर माइनस है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, टेन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, फिर ऐसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, फिर के वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। ठीक है, फिर देखिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, वाह। हम देख पा रहे थे बहुत अच्छा से आप लोग फॉलो किए, बहुत अच्छा, और थैंक यू सभी को, बहुत अच्छा आप लोग फॉलो करने के लिए। टेक ओवर सुमन मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर के लिए। एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे हम लोग, है ना, इतना शानदार वर्कआउट करवाने के लिए। थैंक यू सो मच सर, आज का दिन की शुरुआत जबरदस्त हो गया है ना। तो सब लोग काफी एक्साइटेड हैं, एक जगह अभी शांति से बैठ जाएंगे, ठीक है, और जरूर सर को थैंक यू बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक जगह बैठ जाएंगे और सब लोग अब वीडियो ऑन कर लेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग अभी जानकारी लेने वाले हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है दिन का ये, क्योंकि हम लोग कुछ सीखते हैं।
तो कुछ सीखते हैं तो जरूर हम लोग उसको प्रॉपर अच्छे से ऑन करके, वीडियो ऑन करके दिमाग को शांत रख के सुनेंगे तो जरूर हम लोग उसको फॉलो भी करने वाले हैं, याद रखने वाले हैं, है ना। तो काफी शानदार हमारे बीच में कोच आने वाले हैं, और अभी हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेंगे हम लोगों के वर्चुअल न्यूट्रिशन क्लब के बारे में। तो आप जितने भी मेंबर्स पहली बार आए हैं इस कॉल पे, आप सबका स्वागत है। स्लाइड को थोड़ा सा चलाएंगे सर क्या, तो जितने भी नए मेहमान हैं आप लोग जाएंगे शांति से, और आप सबका स्वागत है आज के इस अमेजिंग सेशन में। 3 दिन आप एक्सपीरियंस में आए हैं तो जरूर उसका शेड्यूल आप लोग समझ लेंगे, सुन लेंगे क्या है क्या है? तो चलेंगे थोड़ा सा क्या है? तो ओके तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जितने भी नए मेंबर आए हैं आपको मैं शेड्यूल थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। 6 बजे हम लोगों का क्लास स्टार्ट होता है, 6:35 तक हम लोगों का वर्कआउट होता है, देन हम लोग एक्सपीरियंस सुनते हैं। एक्सपीरियंस सुनने के बाद हम लोग एजुकेशन लेते हैं जो काफी शानदार होता है, और उसका टाइम आ चुका है। उसके लिए मैं अभी हमारे कोच को बुलाने वाली हूँ, और जरूर अपने अपने कोच के लिए हम लोग थैंक यू बोलेंगे। इतना शानदार हम लोगों को कम्युनिटी में लाए हैं, उनको जरूर एक थैंक यू बोलेंगे हम लोग। और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि आज शाम को क्या होने वाला है। आज शाम को आप लोग टाइम अपना बुक कर लीजिए, क्योंकि आज शाम को बेहतरीन सेशन होने वाला है, बेहतरीन अमेजिंग हम लोगों का प्रोडक्ट मैजिक होने वाला है। हम लोगों के फूड गैलरी में हम लोग जो यूज करते हैं उसके अलावा और क्या 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 हम लोगों के पास इस न्यूट्रिशन गैलरी में प्रोडक्ट्स है, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो काफी शानदार है। हम लोग आज आज शाम को 7 बजे फटाफट अपने कोच को आप बोल के अपने लिए सीट बुक करवा लीजिए, लिंक ले लीजिए, तो काफी शानदार होने वाला है ना। और खूब इंजॉय करने वाले हैं शाम को हम लोग। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और कल कल हम लोगों का सैटरडे है, और सैटरडे क्या होता है, सैटरडे क्या होता है, सेंट्रल न्यूट्रिशन टॉक होता है ना। तो हम लोग बहुत सारे लोग एक साथ कंबाइन होते हैं, जो काफी मजेदार होता है। मैं पूरे हफ्ते उस दिन का वेट करती हूँ, क्योंकि हमारे जैसे और भी साथी लोग का जिनका अलग अलग हम लोग बैच में है, सब एक साथ आ जाते हैं तो खूब मजा आता है। फटाफट 6:30 बजे से, फटाफट 5:30 बजे से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको जूम में ही एंट्री मिल जाए, है ना। तो ये काफी शानदार हम लोगों का शेड्यूल है, और चलते हैं अभी। मैं हमारे कोच को बुलाने वाली हूँ, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैम को सुनने के लिए। तो और मैम बहुत ब्यूटीफुल है, मुस्कुरा रही है, और बहुत सारा नॉलेज लेके आई है। तो चलिए सबके एक्साइटमेंट के बीच में मैं अभी उनको बुला रही हूँ। वेलकम शिवानी अग्रवाल मैम, वेलकम मैम। थैंक यू सुमन मैम, इतने अच्छे से इनवाइट करने के लिए। और वर्कआउट कोच सर, संजीत सर के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए, इतने अच्छे एनर्जेटिक वर्कआउट कराने के लिए। और सुमन मैम के लिए क्लैपिंग हो जाए, जो इतने अच्छे हम सभी को बांध के रखे हुए हैं और क्लब के बारे में इंफॉर्मेशन दी है मैम ने। तो आज हम सबसे पहले चलेंगे एक्सपीरियंस की तरफ, तो हम रिजल्ट लेंगे। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी हैप्पी अग्रवाल सर को। तो सर प्लीज आप अपना अनम्यूट करेंगे। नमस्ते मैम। नमस्ते सर जी मैम, जी। सर मैं हाँ, मैंने अभी करीब, मुझे 12-13 दिन हो गए हैं मैम अभी, और करीब 3 kg वजन मेरा कम हुआ है। और जो ये रूटीन चालू किया है मैंने, एक्सरसाइज वगैरह सुबह, और जो रूटीन फॉलो कर रहा हूँ मैं इस ग्रुप के साथ जुड़ के, इससे बहुत एनर्जेटिक महसूस होता है। और पहले जैसे छोटी छोटी चीजें मैं बहुत एक्सपीरियंस कर रहा हूँ अभी, उसमें बहुत अच्छा लगता है मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सभी सर के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं, इतना अमेजिंग रिजल्ट है सर का। तो अब चलेंगे दूसरे रिजल्ट की तरफ। तो मैं बुलाना चाहूंगी याचना मैम को। तो वेलकम याचना मैम, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम याचना जैन है, मैं यूपी चंदौसी से हूँ। एंड मैं इस कम्युनिटी में अपनी ओवरवेट को लेकर आई थी। एंड इससे पहले मेरे को बहुत बैक पेन रहता था और काफ़ी सारी परेशानी थी। इस कम्युनिटी में आने के बाद मैंने अपना 3 मंथ्स में 16 kg वेट लॉस किया। एंड पहले बैक पेन की दिक्कत रहती थी, वो अब नहीं है। काफ़ी एनर्जेटिक रहती हूँ एंड बहुत अच्छा लगता है। सबको, ऑल कजिस को थैंक यू, एंड इस कम्युनिटी को थैंक यू बोलना चाहूंगी।
थैंक यू सो मच। वाह मैम, मैम के लिए भी सब क्लैपिंग करेंगे, कितना अच्छा मैम का रिजल्ट है। तो मैम अब आइडियल वेट पे आ गए हैं, तो वो अभी मेंटेन करके चल रहे हैं मैम। 8 मंथ से आइडल वेट पे हूँ अपना। जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू ओके सर। ओके तो अब चलिए हम चलते हैं नॉलेज सेशन की ओर। तो अभी मैम, आप कंटिन्यू करते रहिए ना, स्लाइड आ जाएगा। आप जी शेयर कर मैम, रहे हैं क्या? ओके मैम। तो आज का मेरा टॉपिक है हेल्थ में, हमारे हेल्थ में 70% रोल लाइफ स्टाइल का होता है। जी मैम आप स्लाइड किनको दिए हैं? मैम, शेयरिंग हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, आप एक बार फिर से करेंगे तो? जी मैम, एक मिनट, जस्ट सेकेंड। अब हो रहा है क्या मैम यस शेयर? मैम, आती है। यस मैम, ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है कि हमारे हेल्थ में 70% रोल लाइफ स्टाइल का होता है और सिर्फ 30% रोल जीन्स का होता है। तो जीन्स का मतलब क्या होता है? तो जीन्स का मतलब होता है कि अगर हमारे मम्मी पापा को या हमारे पूर्वजों में किसी को हेल्थ इशू है, तो वो हेल्थ इशू हम में आ जाते हैं। तो आज हम यही सीखेंगे कि हम अपनी लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हैं तो कैसे अनुवांशिक रोगों के इम्पैक्ट को कुछ कम कर सकते हैं। तो जैसे कभी हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमारे पास हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमसे पूछते हैं कि आपको बीपी तो नहीं है, डायबिटीज तो नहीं है और अस्थमा की प्रॉब्लम तो नहीं है, होता है ना ऐसा? तो डॉक्टर हमसे इसलिए पूछते हैं कि कोई अगर ये सब बीमारी हमारे मम्मी पापा में है तो हम में भी ये बीमारी होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो जीन्स के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, पर हम अपनी लाइफ स्टाइल को कंट्रोल कर सकते हैं। हमें हेल्दी रहना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हम लोग के दादा दादी, नाना नानी फिजिकल एक्टिविटी बहुत करते थे, उनकी वो बहुत ज्यादा मेहनत करते थे, और हमारे मम्मी पापा की और भी कम फिजिकल एक्टिविटी हुई, और हमारी जनरेशन की तो और भी कम हो गई है। तो जरा सोचिए आने वाली जनरेशन के बारे में कि अगर हम अपना लाइफ स्टाइल फॉलो नहीं करेंगे और अपने हेल्थ पर ध्यान नहीं देंगे तो ऐसे आने वाली जनरेशन भी इम्पैक्ट होगी। अगर हम लोग हेल्दी नहीं रहेंगे तो हम लोग अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर सकते। सोचिए अगर कोई अमीर है तो वो हेल्दी नहीं है, क्या वो खुश रह पाते हैं? क्योंकि अगर वो हेल्दी नहीं है तो उनको कुछ कुछ बीमारी आ ही जाती हैं। वो लोग मेडिसिन लेते हैं 4-5 दिन, फिर वो ही लाइफ की भागा दौड़ी में हेल्दी लाइफ स्टाइल इग्नोर हो जाती है। तो इसलिए पूरी लाइफ खुश रहना है तो हेल्दी रहना जरूरी है। तो आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि, या आप भी यही सोचते होंगे कि मुझे डायबिटीज है या बीपी है तो ये जीन्स से आते हैं, तो फिर ये मेरे मम्मी पापा को है तो मुझे भी आ गए, तो हम इस पर कैसे कंट्रोल करेंगे? आज हम यही सीखेंगे कि अच्छी लाइफ स्टाइल अपना के कैसे हेल्दी रह सकते हैं, और अनुवांशिक रोगों के बावजूद इसीलिए जरूरी है कि हम लोग अच्छी लाइफ स्टाइल को के बीच लाइफ स्टाइल और जीन्स के बीच में कैसे बैलेंस बनाकर रखें। नेक्स्ट, यस, खाना और न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस होता है? तो खाना हमें भूख लगने को हमें जब भूख लगती है तो हम अपनी भूख को सेटिस्फाई करने के लिए खाते हैं, और न्यूट्रिशन वो होता है जो हमारी बॉडी को जरूरत है। कभी कभी हम कुछ भी खा लेते हैं लेकिन हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन ही चाहिए। अगर हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होगी तो हम जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगेंगे और जल्दी ही थक जाएंगे और हम ज्यादा एज के लगने लगेंगे। तो हम लोगों को कैलोरी तो कम लेनी है, न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा लेना है। तो जैसे कि गाजर में न्यूट्रिशन बहुत होता है और गाजर के हलवे में कैलोरी होती है,
तो गाजर हमारी बॉडी को पसंद है, लेकिन हमारे मुंह को, हमारे जीभ को गाजर का हलवा पसंद है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप जीभ की सुनेंगे या बॉडी की, या इन दोनों में बैलेंस कैसे करना है। इसके अलावा आजकल के फसल उत्पादन भी हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की मात्रा होने का एक कारण है। आप सभी जानते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतने ही खाने की जरूरत बढ़ेगी, तो प्रोडक्शन भी उतना होना चाहिए, लेकिन खेतों के साइज तो उतने ही हैं। इसलिए जो भी फसल उगाते हैं उसका वेस्टेज कम से कम हो, तो इसके लिए केमिकल छिड़का जाता है कीड़े मारने के लिए। तो जरा सोचिए आप, वो केमिकल कहाँ जा रहा है? वो हमारे सब पेट में जा रहा है। तो जैसे कि हम कोई फ्रूट पेड़ से तोड़ते हैं तो वो 2-3 दिन में खराब हो जाता है, तो अगर हम मार्केट से हम कोई फ्रूट लेके आते हैं तो वो 1 हफ्ता या 10 दिन या 2 हफ्ते, कितना पुराना है उसका कोई गारंटी नहीं है। तो वो अगर हम उस शॉप से लेते हैं तो फिर वो हम घर लाते हुए भी 1-2 दिन में वो बेकार होने लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि आजकल के फसल उत्पादन की वजह से भी हम लोग पूरा न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहे हैं। तो फिर इसीलिए आज हम यही सीखेंगे कि हमारे सभी कोचेस बताते हैं कि हमारे न्यूट्रिशन की कमी को कैसे फुलफिल करनी है। तो सभी कोचेस के लिए एक बार तालियां हो जाएं। तो आइए अब देखते हैं कि बैड लाइफस्टाइल की वजह से क्या-क्या बीमारियां हो सकती हैं। तो हम ज्यादा ही ओवरवेट हो जाएंगे, हम अंडरवेट हो जाएंगे, हम लोग बार बार बीमार हो सकते हैं, या फिर हमें कमजोरी आ सकती है। आपने देखा होगा कि आजकल हार्ट डिसीज बहुत कॉमन है, तो इसके लिए भी हमारा बेकार का लाइफस्टाइल जिम्मेदार है। तो डायबिटीज, कैरेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, यहाँ तक कि कैंसर भी हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हो जाता है। कुछ बीमारी ऐसी हैं कि जैसे कि शुगर, बीपी, थायराइड, ये सिर्फ हमारी लाइफ डिसऑर्डर की वजह से होती हैं, लेकिन ये परमानेंट बीमारी नहीं है, क्योंकि ये कम और ज्यादा होती रहती हैं। उससे अच्छे लाइफस्टाइल को फॉलो करके इन पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा लाइफस्टाइल। हमारा लाइफस्टाइल क्या होता है? तो जब हम सुबह से उठकर शाम तक दिन भर में करते हैं, वो हमारा लाइफस्टाइल होता है। जैसे कि कोई सुबह जल्दी उठता है, कोई सुबह देर से उठता है, तो कोई दिन भर फील्ड वर्क करता है, या कोई दिन भर बैठकर डेस्क वर्क करता है, तो कोई ब्रेकफास्ट स्किप करता है, तो कोई डिनर स्किप करता है। तो अच्छी लाइफस्टाइल के लिए क्या-क्या जरूरी है? तो सबसे पहले हमें हमारा खाना बैलेंस्ड होना चाहिए। उसमें हमें न्यूट्रिशन, पानी, मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन एंड कार्ब्स, ये सभी उचित मात्रा में जाने चाहिए। अगला है स्ट्रेस मैनेजमेंट। हम लोग को अपना माइंडसेट बिल्कुल सही रखना है, 100% माइंडसेट के साथ अच्छी लाइफस्टाइल को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है एक्सरसाइज, जो कि हम लोग डेली मॉर्निंग में करते हैं, और फिर हम ग्रुप में पोस्ट करते हैं 20% वर्कआउट डन करके। तो सबसे पहले सबसे लास्ट है नींद। तो अपनी नींद हम सभी को कंप्लीट करनी चाहिए। हम अपनी नींद कंप्लीट नहीं करेंगे तो हम पूरे दिन थके थके रहेंगे, एनर्जी लो रहेगा और किसी काम में मन नहीं लगेगा। तो अच्छा एक लाइफ स्टाइल वो है जो हमें नेचर के अकॉर्डिंग से मिलता है। तो जैसे कि हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं और रात में जल्दी सो जाते हैं, और टाइम से रात में खाना खा लेते हैं। अब समझते हैं कि लाइफ स्टाइल और जीन्स में कैसे बैलेंस कर सकते हैं। जैसे कि हम सभी ने सीखा है कि हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। हम सभी को स्मोकिंग एंड अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए,
जेनेटिक रोगों के लिए मेडिकल चेकअप कराइए, जो जो बॉडी पैरामीटर हैं उनको सही नहीं है तो उनको पता कीजिए और उन पर कंट्रोल करिए। हम लोगों को रेगुलर डेली चेकअप कराते रहना चाहिए, लेकिन तो नेक्स्ट है, यस, ये बहुत ही अच्छी लाइन किसी ने कही है कि जीन सिर्फ ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता है। ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है सोचिए। तो ब्लूप्रिंट का मतलब होता है रूपरेखा, लेकिन हमारी लाइफ स्टाइल उसमें कलर भरता है। अब ये हम सभी को डिसाइड करना है कि हमको जो रूपरेखा अपने पूर्वजों से मिली है वैसे ही रखना है या उसमें अलग-अलग रंगों से कलर भरना है। तो हम खुद को हेल्दी रखकर अपनी नेक्स्ट जनरेशन को एक अच्छी लाइफ स्टाइल देकर जाना है, यही हम सबकी कोशिश होनी चाहिए। तो आज का मेरा सेशन यहीं तक था। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आई होप सभी को समझ में आया होगा। तो ओवर टू यू सुमन मैम। ओके, थैंक यू सो मच मैम। मैम के लिए एक बार जोरदार हम सब लोग क्लैपिंग करेंगे। इतना शानदार जानकारी हम सबको दिए है ना, और बहुत अच्छे से सिंपल तरीके से हम सबको समझाए कि जरूर हम लोग अपने लाइफस्टाइल बेहतर करके बाकी सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। और जरूर अच्छा अच्छा पेंट भरेंगे अपने अपनी जिंदगी में, है ना, हरा हरा, है ना। चाहते हैं ना सब लोग अपना बॉडी अच्छा हो, सब लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे हो, है ना। तो जमीन जायदाद इकट्ठा करने के बजाय, संपत्ति देने के बजाय हम अच्छा हेल्थ भी देंगे, बीमारियां देके नहीं जाएंगे अपनी पीढ़ी को। कोई चाहते हैं क्या कि मेरे आने वाली पीढ़ी के लिए मैं शुगर रख दूं, बीपी रख दूं, मुझे है तो आने वाले लोग उसको कंटिन्यू करें। कोई ऐसे चाहते हैं क्या? हम लोग जमीन खरीदते हैं ना तो सोचते हैं ना कि मतलब इसको मेरे आने वाले बच्चे इसको कुछ ना कुछ करेंगे, बनाएंगे। तो ऐसा नहीं है, है ना। बीमारियां छोड़ के मत जाएंगे, हम सब सीख रहे हैं तो जरूर अच्छे से उसको फॉलो करेंगे। तो थैंक यू सो मच मैम। मैम के लिए एक बार और जोरदार क्लैपिंग करेंगे हम लोग। और डेफिनेटली आज कोई न्यू मेंबर है क्या जिनका आज पहला दिन है? सब ना मैम, देखिए अगर आप सुन रहे हैं तो वीडियो ऑन करेंगे तो ही बात हो पाएगी, ठीक है। तो आप लोग वीडियो ऑन कर लेंगे, और जितने भी लोग हैं जिनका आज पहला दिन है आप लोग अनम्यूट करेंगे। मैम देखिए अनम्यूट करेंगे। ओके मैम, देखिए आपके पास एक कमांड गया है, उसको अनम्यूट करेंगे। सपना मैम आप अगर सुन रहे हैं तो थोड़ा इधर ध्यान देंगे। ओके हाँ मैम, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग जी, कहाँ से है मैम बहू जी? से बहू ओके ओके, बताइए मैम क्या फिटनेस गोल है से आपका, क्या बेहतर करना चाहते हैं? वजन कम करना वजन कम करना है। अभी कितना है मैम आपका वेट? 68 68। कितना केजी उसमें से आप कम करना चाहते हैं? 10 kg 10 kg। तो सीरियस है ना आप? जी, आज आपने प्रॉपर क्लास में सारी चीजें अटेंड किया? जी, ठीक है मैम। अभी आप 2 दिन और अपना अपना ट्रायल एक्सपीरियंस एंजॉय कीजिए, उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस बताया जाएगा, ठीक है मैम? ठीक ओके, है बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। और कोई है जो ओके, और कोई अगर है तो आप लोग अपना हैंड राइज करेंगे तो बात हो पाएगी। देखिए कौशल्या सिंधे नहीं है, है ना, ठीक है। अर्चना मैम देखिए अनम्यूट करेंगे। हेलो हेलो मैम, हाँ मैम, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मैं जी मैम, महाराष्ट्र आप से पुणे से हूँ। ओके ओके मैम, बिल्कुल बताइए आपका क्या फिटनेस गोल है मैम, क्या वेट कराए हैं? कम करना है मैम, वेट कम इसलिए करना है। अभी कहा। कितना है मैम आपका वेट? 62 52 62 है, और उसमें से आप कितना केजी कम करना चाहते हैं? 15 kg 15 केजी। ओके ओके बिल्कुल। तो
तो जरूर मैम, 15 KG से ज्यादा भी यहाँ मेंबर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी 15 KG से ज्यादा वेट लॉस किया है। आप बने रहिए, है ना, आप अभी हम लोगों के साथ बने रहिए, डेफिनेटली आपका भी फिटनेस गोल जरूर अचीव होगा। ठीक है मैम, ओके, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैम। ओके, और कोई है जो मुझसे बात करना चाहते हैं, किसी को कोई डाउट है या किसी को कोई मन में क्वेश्चन है जो क्लियर करना चाहते हैं कोई चीजों को? ठीक है, मैं बहुत सारे लोगों को देख रही हूँ, मुस्कुरा रहे हैं बहुत सारे लोग। किसको किसको गाना गाना पसंद है? हाँ, जो ज्यादा बबीता देव नाम से सर है, मुस्कुरा रहे हैं, सर के पास जरूर मैं आ जाऊंगी, है ना सर? आप गाना सोच के रखिए, मैं आपके पास पहुंच रही हूँ। ठीक है, और मुझे हाँ सुनना अच्छा लगता है ना? तो बिल्कुल आप रेडी रहिए। देखिए सीताराम सर हैंड राइज कर रहे हैं, सर गाना फटाफट आप सुनाएंगे क्या? चलिए सीताराम सर के पास चलते हैं। सर देखिए अनम्यूट कीजिए तो, सीताराम सर। क्या बोले सर? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। हाँ मैम, हाँ सर, आज संजीत सर वर्कआउट करवा है तो वो बोल रहे हैं कि आपसे गाना सुनना चाहते हैं। बिल्कुल, यस मैम। तो आप क्या गाना सुनाएंगे सर? हम लोग रेडी हैं सुनने के लिए। एक संबलपुरी सुनाएंगे या भजन सुनाएंगे मैम? आपको जो अच्छा लगता है वो सुनाएंगे सर। नवरात्रि चल रहा है सर, भजन सुन लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। बिल्कुल, ठीक है मैम। तो দিন বন্ধু দয়ি তারি দুঃখ না গলাম হরি, দিন বন্ধু দয়ি তারি দুঃখ না গলাম হরি, হেলা কি নিষ্ঠুর চিত নীলাঞ্চল বিজে করি, দিন বন্ধু দয়ি তারি দুঃখ না গলাম হরি, দীন বন্ধু দায়ী তারি দুঃখ না গলাম হরি। থ্যাংক ইউ ম্যাম, ইতনা গাইঙ্গে। वाह, एक बार सर के लिए जोरदार क्लैपिंग करेंगे। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, सच में बहुत अच्छा लगा। बहुत प्यारा आवाज है आपका और बहुत अच्छा, मतलब सुन के ही अंदर से एकदम लगा। तो थैंक यू सो मच सर, है ना? देखिए ऐसे ऐसे ही एक्साइटेड होना चाहिए, है ना? आपके पास जो थैंक टैलेंट है, देखिए सब यहाँ पे फैमिली फैमिली मेंबर से यहाँ आपको जो भी आता है आप लोग ऐसे बता सकते हैं, सुना सकते हैं, है ना? तो मैं देव सर के पास जरूर जाऊंगी, तब तक मैं एक और सुन लेती हूँ, है ना? बिल्कुल, तब तक हम लोग संतोष सर के पास चलते हैं। संतोष सर से फटाफट कुछ सुनने वाले हैं हम लोग। यू। गुड ओके, वेरी मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। सर कोई सॉन्ग फटाफट अच्छा सा। माधव हे माधव, माधव हे माधव, याद नहीं रहा है मैं। चलिए कोई बात नहीं सर, सर आप शुरू किए वो बड़ी अच्छी बात है ना? तो सर के लिए भी जोरदार क्लैपिंग करेंगे। अभिलाषा मैम देखिए आप अनम्यूट करेंगे, आप भी संबलपुरी है क्या मैम? नो मैम, एक्चुअली मुझे आपसे बात करना था। मेरा ओके ओके, बिल्कुल मैम, वर्कआउट जरूर का, जी। हाँ, तो मैं मुझे वेट कम करना है। अच्छा, आज आपका फर्स्ट डे है मैम कि आप ऑलरेडी हम लोगों की कम्युनिटी में हैं? नो मैम, मेरा 3 डेज कंप्लीट हो चुका है आज। ओके ओके, आप इस कॉल के बाद आपको जो ये लिंक देते हैं ना, वो आपको एक और लिंक देंगे, उसमें आप लॉगिन हो जाइएगा तो आपको आगे का प्रोसेस जरूर बताया जाएगा। ठीक है मैम, अब आप ओके मैम। प्रॉपर स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, बहुत बहुत स्वागत है मैम, आपको भी पसंद है मैम गाना गाना? हाँ मैम, बहुत पसंद आया। नहीं, गाना पसंद नहीं है, सुनना पसंद है। चलिए गाना कोई मैम। हाँ, गाना गाना चुटकुला आपको कुछ अच्छा लगता है तो जरूर आप हम लोगों के बीच शेयर कर सकते हैं। यस यस मैम। बिल्कुल, हम लोग रेडी है मैम सुनने के लिए। ना ना मैम, अभी तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप बिल्कुल बने रहिए, आपको इसके आगे प्रोसेस थैंक यू बताएंगे। मैम। ठीक है,
ओके ओके थैंक ओके यू। बिल्कुल मैम। ठीक है, अभी चलते हैं थोड़ा सा देव सर के पास, हम लोग सुनेंगे फटाफट। देखिए सर, नहीं नहीं सर उसको बंद कीजिए, हम लोग आपको सुनेंगे। छोटा सा लाइन सर। चलना जीवन की मेरा जूता है जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, निकल पड़े हैं दिन सड़क पे, अपना सीना ताने, अपना सीना ताने। ओके आपको भी बहुत बहुत थैंक यू सर, है ना। आप अपनी तरफ से किए वो बड़ा अच्छा लगा, है ना, और बहुत अच्छा आवाज है सर आपका। जरूर आप प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर हम लोग कभी ऐसे एंजॉयमेंट का मौका मिलेगा तो जरूर हम लोग आपके पास फिर से आने वाले। तो देव सर के लिए भी एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे हम लोग, है ना। और बिल्कुल दो प्यारे प्यारे मेंबर्स और दिख रहे हैं, हम लोग जल्दी जल्दी चलते हैं। एक आत्माराम सर दिख रहे हैं और सुप्रिया मैडम दिख रही है, तो हम लोग थोड़ा सा अभी मैडम के पास चलते हैं, थोड़ा मधुर मधुर कुछ सुन लेते हैं, है ना। देखिए मैम अनम्यूट करेंगे। हाँ मैम आप बोल सकते। थैंक यू मैम। आओ तुम्हें चांद पे ले जाएं, प्यार भरे सपने सजाएं, छोटा सा बंगला बनाएं, एक नई दुनिया बसाएं। हो आओ तुम्हें चांद पे ले जाएं। थैंक यू मैम। वाह बहुत प्यारा आवाज है मैम आपको, और बहुत सुंदर सा गाना भी है। थैंक यू सो मच मैम इतना ब्यूटीफुल सॉन्ग गाने के लिए। मैम के लिए भी जोरदार क्लैपिंग करेंगे, है ना। तो फटाफट अब हम लोग चलते हैं आत्माराम सर के पास। देखिए सर अनम्यूट करेंगे। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बड़ी उदास है जिंदगी, कोई तो साथी चाहिए, एक तलाश है जिंदगी, कोई तो साथी चाहिए, कोई तो साथी चाहिए। थैंक यू मैम। वाह बिल्कुल सर, देखिए कितने सारे साथी हैं आपके पास, है ना। परमानेंट लाइफ टाइम साथी है हर्बल लाइफ, और ये आपके कोच और इतने सारे कम्युनिटी और इतने सारे कोचेस, है ना, हम सब के साथी हैं। तो बिल्कुल बहुत प्यारा आवाज है सर आपको, बहुत सुंदर सॉन्ग है, तो थैंक यू सो मच सर। ओके एक और फटाफट हैंड राइज है, जल्दी चलेंगे अब हम लोग। ओप्पो नाम से जॉइन है मैम, आप भी गाना सुनाना चाहते हैं, आपका फर्स्ट डे है। देखिए मैम अनम्यूट करेंगे। देखिए मैम ओप्पो नाम से ज्वाइन है आप। हाँ मैम गुड मॉर्निंग, रेड टी शर्ट में जो है आप बात कर सकते हैं मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सरिता मार्स कॉलेज। मेरा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया जी, थोड़ा सा नेम में मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा सुधार करना है, पर सरिता मार्स कॉलेज हूँ सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट से। अरे वाह बिल्कुल मैम, हम लोग के पास और सरिता मैम भी है ना, बिल्कुल स्वागत है मैम आपका। पहला दिन है क्या आज? नो मैम 2 months होने वाले हैं। अरे बाप रे, तो आप क्या सुनाना चाहते हैं मैम, फटाफट हम लोग सुनने के लिए रेडी हैं। मैं ना एक गाना गाना चाहती हूँ। बिल्कुल
चलिए स्वागत है। फारसी गाना गाना है, मतलब गोंडी गाना है। धीरो धीरो इमा एंदा टूड़ी, धीरो धीरो इमा बैतुल जिला ता छैल छवीली, बैतुल जिला ता छैल छवीली, माना संग देवासी कुनेंद टूड़ी। धीरो 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 इमा एंदा टूड़ा, धीरो धीरो छिंदवाड़ा जिला तलवा तो नीमा, छिंदवाड़ा जिला तलवा तो नीमा, इमाना संग देवासी कुनेंदा टूड़ा। धीरो धीरो इमा एंदा टूड़ा, धीरो धीरो। थैंक यू मैम। ये गाना भी आप ही कहते से क्यूट है मैम, बहुत अच्छा लगा मेरे को तो सुन के, बड़ा अच्छा लगा है ना, मतलब बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम, है ना। और दो हम लोग अब लेंगे फटाफट, दो चीज लेंगे, परमानंद सर और पुष्पलता मैम दिख रहे हैं, तो चलिए फटाफट हम लोग सुनेंगे कुछ, है ना। पुष्पलता मैम के पास चलते हैं फिर हम लोग आज। ओके देखिए मैम अनम्यूट करेंगे। वाक्य यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू। नवरात्रि चल रहा है तो छोटा सा भजन चलिए। लाली लाली चुनरी में सुन धरी लुगरा, लाली लाली चुनरी में सुन धरी लुगरा, अंग अंग गहना सजाए, अंग अंग गहना सजाए, ए मुरदाई कोने तोरी रूप सिर जाए, ए मुरदाई कोने तोरी रूप सिर जाए, लाली लाली चुनरी में सुन धरी लुगेरा, 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 कोने बनाए दाई माते मुख पिया, कोने बनाए दाई माते मुख पिया, कोने सजाए फूल मुंगरा, कोने चढ़ाए फूल मुंगरा, ओ मुरदाई कोने तोरी रूप सिर जाए, उम्र दाई कोने तोरे रूप सिरे जाए। थैंक यू मैम। वाह बहुत प्यारा सॉन्ग है मैम, बहुत प्यारा सा भजन है। थैंक यू सो मच मैम, काफी आज का दिन इतना अच्छा जाने वाला है लग रहा है, इतना प्यारा प्यारा आवाज सुनने मिल रहा है ना। तो फटाफट हम लोग चलते हैं परमानंद सर के पास, है ना। और लास्ट में मैं हम लोगों के कोच से, हमारे बीच में नरसिंह सर है तो वो बड़ा अच्छा गाना गाते हैं, है ना, तो मैं नरसिंह सर से जरूर मिलवाऊंगी लास्ट में। एक हम लोग चलते हैं परमानंद सर के पास, उसके बाद हम लोग चलेंगे नरसिंह प्रधान सर के पास, है ना। देखिए सर अनम्यूट करेंगे। ओके थैंक यू सो मच मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं भी अभी नवरात्रि चल रहा है तो एक छोटा सा भजन गाना चाहूंगा, ठीक है। ओके साचो जोत वाली माता, तेरी जय जयकार, तूने मुझे बुलाया तेरा वालिए, मैं आया तेरा वालिए, ओ जोता वालिए, पहाड़ा वालिए, ओ मेहरा वालिए, तूने मुझे बुलाया
तेरा वालिए मैं आया तेरा वालिए, तूने मुझे बुलाया तेरा वालिए, मैं आया तेरा वालिए। ओके थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू ओके सो सर मच। के लिए भी जोरदार क्लैपिंग करेंगे सर का भी, इतना प्यारा आवाज है, इतना प्यारा भजन गाए है ना, और बहुत अच्छा लगा आज हम लोगों का दिन। मुझे नरसिंह सर है मेरे में टाइम, नरसिंह सर अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आप थोड़ा सा हैंड राइज करेंगे। सर बहुत अच्छा गाना गाते हैं है ना, तो हम लोग नरसिंह सर के पास चलेंगे। ओके पटा, एक और हैंड राइज आया है, उनको चलते हैं। श्रवण सर आप भी गाना गाना चाहते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अनम्यूट करेंगे है ना। बंद कर लो। ओके गुड आ गया, मॉर्निंग मैं सर, आवाज आ बहुत रहा। गुड मॉर्निंग, गुड प्यारा मॉर्निंग। आवाज आ रहा है सर। चेहरे से जरा चल जब आपने सरकाया, दुनिया ये पुकार उठी, लो चांद निकल आया। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा मेरे को आज का सेशन, अरे बहुत ही गुड, बहुत ही सुंदर, एकदम अमेजिंग। वाह, आपका भी आवाज बहुत प्यारा है सर, आपकी चांद तो पीछे है लग रहा है, मैडम से भी हम लोग देख रहे हैं, गुड मॉर्निंग मैडम है ना, तो बिल्कुल आप लोग ऐसे चांद जैसे चमकते रहे दोनों पूरा परिवार है ना। देखिए अब एक एक करके हैंड राइज आते जा रहे हैं, चलते प्यारी सी शिवानी मैम आज क्लास ली थी तो उनको कैसे छोड़ सकते हैं हम लोग है ना। फटाफट शॉर्ट में सुनेंगे फिर बाकी हम लोग कल के लिए बचाएंगे। देखिए मैम अनम्यूट करेंगे। तो मैम मैं भजन सुनाती हूँ। गौरी के नंदन की हम पूजा करते हैं, गौरी के नंदन की हम पूजा करते हैं, शुभ कारज से पहले तेरा नाम जो लेते हैं, कोई संकट आए तो प्रभु रक्षा करते हैं, उस संकट हारे की हम पूजा करते हैं, गौरी के नंदन की हम पूजा करते हैं। बस मैम वाह बहुत प्यारा आवाज है मैम। ओके थैंक यू सो मच मैम, इतना शानदार आप, इतना शानदार भजन हम लोगों को सुनाने के लिए, और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट थे, जितने भी लोगों ने इतना प्यारा प्यारा अपना सहभागी दिया आज का दिन को अच्छा बनाने के लिए है ना, तो आप सबको बहुत बहुत थैंक यू हम लोगों का दिन अच्छा बनाने के लिए और शानदार। जाते जाते एक बार हम लोग संदीप सर के लिए जोरदार क्लैपिंग करेंगे और शिवानी मैम के लिए है ना, इतना अमेजिंग हम लोगों को शुरुआत किया, और जितने भी हमारे प्यारे प्यारे मेंबर्स हैं सबको नवरात्रि का बहुत बहुत बधाई, और कल जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिएगा और शाम को आज 7 बजे बुक रहिएगा। और अगेन थैंक यू सबको जिन्होंने गाना सुनाया, आप सब बहुत स्पेशल हैं, और पूरी फैमिली का ध्यान रखिए। तो चलते हैं, मिलते हैं कल सेंट्रल न्यूट्रिशन टॉक में। बाय बाय एवरीवन। मैं होस्ट हूँ क्या? मैं नहीं। थैंक यू थैंक यू।